दोस्तों जब किसी क्रिमिनल को मौत की सजा दी जाती है तो उसका मरना तो निश्चित है। जहां उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में क्रिमिनल के दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर हर एक तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने पर भी ना मरे तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। और ठीक ऐसा ही जॉनली नाम के शख्स के साथ हुआ। और ये हुआ कैसे, इसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जहां ये वीडियो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी। दोस्तों जिसे कानून भी ना मार पाए उसके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि जॉनली ऐसे ही शख्स थे जहां ब्रिटिश कानून भी इन्हें मारने में असफल रहा। और यह हुआ कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पहले के समय में फांसी की सजा किस तरह से दी जाती थी। हम आपको बता दें कि पहले के समय में इंसानों को सजा देने के लिए उन्हें जलाने से लेकर उनके बॉडी पार्ट्स काटने तक की चीजें की जाती थी। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इंसान को सजा देने में थोड़ी बहुत दया देनी शुरू हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इंसान का गला दबाकर मौत देने से लेकर ऊंचाई से नीचे गिराने तक के तरीके आजमाए गए। इस तरह के मेथड को स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। और इसी तरह के कई सारे तरीके आजमाने के बाद 1872 में मौत की सजा देने के लिए एक नया तरीका इन्वेंट किया गया, जहां पर दोषी को रस्सी से लटकाकर एक दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देना होता है। और जैसे ही नीचे मौजूद वो दरवाजा खुलेगा वो शख्स सीधा लटक जाएगा, जिसकी वजह से गला दबने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और दोस्तों यह तरीका आज तक आजमाया जाता है। जहां हमारे भारत में भी अगर किसी को कानूनी तौर पर सजाए मौत देनी होती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके लोगों को मौत दी जाती है। ऐसे में दोस्तों 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉनली को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉनली शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन इनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि कत्ल उन्होंने ही किया है। सबसे पहले तो जिस महिला का मर्डर हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने की महिला थी, जिसके यहाँ कई सारे नौकर चाकर काम करते थे और जॉनली भी उसी में से एक थे। हालांकि बाद में जॉन ने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली, लेकिन चोरी के इल्जाम में अरेस्ट होने के बाद इन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। और फिर जब जॉन जेल से छूटकर वापस आए तो उन्होंने फिर से उसी महिला के यहाँ काम करना शुरू कर दिया जिसके यहाँ पहले ये काम किया करते थे। और जॉनली को अपने यहाँ वापस से काम पर रख लेना ही उस महिला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन अचानक उस महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौकाए वारदात पर कोई और नहीं सिर्फ जॉनली ही पाए गए, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। दोस्तों जब इन्हें पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया तो इनके हाथों में कट मिला, जो इनके मुजरिम होने का साफ सबूत दे रहा था। एक तरफ पुलिस को इन्हें छोड़ बाकी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जॉनली बार बार अपनी बेगुनाही के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा मौकाए वारदात पर कोई नहीं था, और इनके हाथों में लगे कट के निशान भी यही इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज्यादा दिमाग और समय ना लगाते हुए जॉनली को ही गुनाहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इन्हें ही मुजरिम माना और जॉनली को मौत की सजा सुना दी गई। पर दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी जॉनली बार बार यही कहते रहे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर इस दुनिया में कहीं भी भगवान है तो मुझे बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और उसे पता है कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉनली को फांसी की सजा दी जानी थी। दोस्तों जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि कानून की ये फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों जॉन को फांसी देने से जस्ट पहले हर एक चीज पूरी तरह से चेक की गई थी कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं, और फिर जॉन के गले में रस्सी लटकाकर उनका मुंह पूरी तरह से ढक दिया गया, जिसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूटर ने नीचे मौजूद दरवाजे को अपने हाथों से हैंडल दबाकर खोला तो दरवाजा खुला ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने कई बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला ही नहीं। इसके बाद दोस्तों इनके फांसी की तारीख अगले दिन के लिए रख दिया गया। जब दूसरे दिन फिर से जॉनली को सजा देने के लिए लाया गया तो उस दिन भी दरवाजा नहीं खुला। और दोस्तों लगातार ऐसा 3 बार होने के बाद ये केस कोर्ट में गया, जहां हर एक चीज की तहकीकात की गई कि आखिर यह हो कैसे रहा है, क्योंकि एक शख्स का 3-3 बार फांसी की सजा से बच निकलना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और इसी वजह से ये केस हाई अथॉरिटी तक गया, जहां इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई
कि आखिर फांसी की सजा 3 बार कैसे रुक सकती है। और जब पूरी तहकीकात की गई तो यह पता चला कि एक लोहे के टुकड़े की वजह से दरवाजा पूरी तरह से जाम हुआ पड़ा था, इसीलिए वो खुल नहीं रहा था। दोस्तों कुछ भी कहिए, जॉनी की कही बात सच हो गई, जहां उसने पहले ही यह कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे सजा नहीं हो सकती। और शायद इसी वजह से जब कोर्ट को यह पता चला कि जॉनी एक नहीं बल्कि 3-3 बार फांसी की सजा से बच गए हैं, तो जज ने इस बात को पूरी तरह से समझा कि जब जब जॉन को सजा के लिए ले जाया गया होगा तब तब वो हर एक पल मरे होंगे, यह सोच कर कि जस्ट अभी मेरी मौत हो जाएगी। और इनकी सजा के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि जिस शख्स ने 3 बार मौत को मात दे दी उसे छोड़ देना ही सही फैसला है। और दोस्तों इसी वजह से जॉनी को छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन गए कहाँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। कई सारे लोगों का कहना है कि जॉन ने अपने फैमिली को छोड़कर लंदन शिफ्ट कर लिया था। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड ही छोड़ दिया था, जिसके बाद 1945 में इनकी मौत की खबर आई। और मौत को चकमा देने वाले जॉनी, जिन्हें 3 बार कानून की सजा भी नहीं मार पाई, उनका अंत 80 साल की उम्र में हो चुका था। दोस्तों यह थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने वाकई इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। हाँ, ये बात भले ही ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए शर्मनाक थी कि एक ही शख्स 3-3 बार फांसी की सजा से बच निकला, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कहानी हमें बताती है कि जब तक आपका मौत लिखा ना हो तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, फिर चाहे वो कानून ही क्यों ना हो। दोस्तों आपका इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी।